हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी इजी वेज रेसिपी बंगाली स्टाइल से, और इसे आप लंच और डिनर में भी खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमको लेना है बैगन। बैगन आप कोई सा भी ले सकते हैं, लंबा गोल, और उसको इस तरह से कट कर लेना है, और उसको धो करके नमक और हल्दी मिला करके 2 से 3 मिनट तक रखना है। ज़्यादा देर तक नमक दे करके नहीं रखना है, पानी छोड़ देगा तो फिर वो फ्राई करने में ठीक नहीं रहेगा। फिर हम मीडियम साइज़ का आलू लेंगे। आलू को इस तरह से कट कर लिए हैं, और एक आलू आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम दे हैं टमाटर और 2 हरी मिर्च, 1 सूखी मिर्च और 1 मीडियम साइज का लहसुन। और उसके बाद बड़ी दिए हैं, कलाई डाल का बड़ी लिए हैं, आप कोई सा भी बड़ी ले सकते हैं। अभी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और बड़ी को फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होने तक बड़ी को फ्राई करेंगे। जैसे और एक कटोरी में पानी ले लेंगे, बड़ी को जैसे फ्राई करके निकालेंगे और उसको पानी में दे देंगे। पानी में देने से क्या होता है, बड़ी फूल जाता है, अंदर से पूरा जूसी हो जाता है, और वो जब सब्जी में देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद उसी तेल में बैंगन को भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करके उसको निकाल लेंगे। बैंगन को ऐसे पूरा ही कुक हो जाएगा उसको, और एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद इस बैंगन को निकाल लेंगे तो उसी तेल में हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आलू को भी पहले लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आलू भी फ्राई ऐसे करेंगे कि वो पूरा कुक हो जाएगा। और देखिए, पैन से हम तेल निकाल लिए, उतना तेल में हम फिर रेसिपी नहीं बनाएंगे। आप चाहे तो बना भी सकते हैं। और उसके बाद 1 सूखी मिर्ची और 1/2 चम्मच काला जीरा फोड़न दिए, और 1/2 टमाटर दिए, नमक और हल्दी पाउडर दिए। और अगर आप टमाटर को इस तरह से कट करके नहीं देना चाहते हैं तो उसे पेस्ट बना करके भी दे सकते हैं। उसके बाद मसाला का पेस्ट को दे दिए। अब टमाटर के साथ मसाला को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाए तब तक उसको हम फ्राई करेंगे। इस तरह से देखिए तेल सेपरेट होने लगा। और अभी हम उस टाइम पर अभी हम दे देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ऐसे अभी हम जैसे तेल देखे तेल सेपरेट हो गया, तो अभी हम उसमें आलू जो फ्राई करके रखी थी आलू को दे देंगे। आलू को मसाला के साथ 2 से 3 मिनट चलाएंगे। तब हम इसमें पहले देंगे बड़ी। बड़ी को तो पानी में भिगो करके रखी थी, वो फूल गया है पूरा, इसको बड़ी को दे देंगे। बड़ी को भी मसाला के साथ फ्राई करेंगे, आलू और मसाला के साथ। तब हम इसमें बैंगन दे देंगे। इसमें मसाला भी फ्राई है और सब्जी भी कुक है, इसलिए हमको ज़्यादा कुक करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम 1 कप पानी दे दिए। अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 2 कप भी पानी दे सकते हैं। बस थोड़ा सा बॉयल आ जाए और इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे, ताकि जो है झोल में अच्छी तरह से बैंगन और आलू का स्वाद आ जाए। अगर बॉयल नहीं करेंगे तो झोल टेस्टी, ग्रेवी जो है टेस्टी नहीं बनेगा। इसको भी थोड़ा सा कवर कर देंगे, 2 से 3 मिनट कवर करके रखेंगे। बस रेडी हो गया बैंगन की सब्जी, और इसे आप चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं।